हेलो एंड वेलकम आप सभी का हमारे चैनल पे और हमारी एक और नई आज की वीडियो में। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि गूगल और जियो दोनों ही कंपनी साथ मिलके एक ऐसे अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन पे काम कर रही हैं जो कि आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। सो इसी टॉपिक को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जो कि आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। सो अगर कहा जाए तो आपको जियो की तरफ से एक 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है और इसी टॉपिक को लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई है जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एंड आई होप आपको हमारा ही आज का वीडियो भी पसंद आएगा। सो अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी शुरू करता हूं, मैं आनंद सिंह, ये टेक्निकल लाइफ, चलिए शुरू करें। लास्ट ईयर आपने देखा था कि रिलायंस ने पार्टनरशिप की थी गूगल के साथ और वो पार्टनरशिप इसलिए की गई थी ताकि इंडिया के लोगों के लिए एक 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन जो जियो है वो लेकर आ सके। पर उस पार्टनरशिप के हो जाने के बाद हमें काफ़ी दिनों तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या कह लो लास्ट ईयर से लेकर अब तक कोई इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है कि उस स्मार्टफोन पे काम हो रहा है कि आखिरकार क्या सीन है, ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला। पर कुछ ही दिन पहले गूगल के CEO सर सुंदर पिचाई ने ये कन्फर्म किया है कि जो गूगल है वो क्लोजली जियो के साथ वर्क कर रहा है ताकि एक अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन बनाया जा सके इंडिया के लोगों के लिए। और एक वर्चुअल इंटरव्यू हुआ था जिसमें कुछ सिलेक्टेड रिपोर्टर्स ही थे और उस इंटरव्यू में सर सुंदर पिचाई ने ये कंफर्म किया है कि जो गूगल है वो कंटिन्यूसली इंगेज है रिलायंस जियो कंपनी के साथ ताकि वो एक अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन बना सकें। और रिलायंस जियो जो कंपनी है वो एक अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन क्यों बनाना चाहती है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि इंडिया में जो 5G टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्टेशन को बूस्ट किया जा सके। मतलब इस अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन की मदद से लोग 5G टेक्नोलॉजी को बड़े ही आसानी से अडेप्ट कर सकें। और रिलायंस जियो ने ये कहा है कि ये उनका इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया में और उनका ये एम है ताकि वो मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी सभी इंडियंस के हाथ तक बड़े ही अफोर्डेबल तरीके से पहुंचा सकें। जैसा कि आप सभी लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, रिलायंस जियो ने एक अल्ट्रा अफोर्डेबल 4G फोन लॉन्च किया था और काफी ज्यादा चीप डाटा प्लान्स भी लॉन्च किए हैं लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी रिपोर्ट किया है कि वो एक अफोर्डेबल लैपटॉप के ऊपर काम कर रही है जो कि आपको हो सकता है अगले साल देखने को मिल जाए। और गूगल की तरफ से जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है वो एक पार्ट थी गूगल फॉर इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड का। और साथ ही साथ गूगल के CEO सर सुंदर पिचाई का ये भी कहना है कि आगे आने वाले 5 साल में वो इंडिया में और भी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि करीबन हो सकती है ₹75 करोड़ तक की, ताकि इंडिया मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सके। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी गूगल और जियो की पार्टनरशिप के ऊपर कि वो आखिरकार एक 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन पे काम उनका चल रहा है। एंड आपको बहुत ही जल्द रिलायंस जियो की तरफ से एक 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। एंड आई होप आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अब मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।